ये जो बहन के हिजामा के लिए तो चलिए एक्साइटेड हूँ कि होता है। सो सलाम सस्रियकाल नमस्ते, कैसे आप सभी? अच्छे ही होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सर्दी का मौसम चल रहा है, जनवरी में बहुत ज्यादा, इस टाइम थोड़ी कम हो जाती है बट सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। तो कैसे आप सभी? अच्छे ही होंगे, चाय पीते रहिए, सर्दी भागती रहेगी तो मैं भी चाय पीती हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक कुछ खास नहीं है, आज मेरा एक व्लॉग है जिसमें मैं खुद हिजामा करवा रही हूँ। जिसने इतने सालों से सबका हिजामा कर रही है ना, आज मैं खुद अपना हिजामा करवा रही हूँ। अपना हिजामा इसलिए कि स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, बहुत ज़्यादा बीमारी का कहे कैसे भी आती जाती तो रहती है। तो मैंने करीबन एक डेढ़ साल पहले हिजामा करवाया था अपनी काफ मसल्स का, तो जिसमें सिर्फ चार चार आठ कप लगे थे, तो इतना दर्द पेन होता नहीं है, जब इतना पता नहीं चला था। पर आज जो मैं करवा रही हूँ फुल स्पाइन का बैक का हिजामा करवा रही हूँ, तो अब तक मैंने सबका करा है, कोई कहता बहुत दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, पता नहीं। पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कितना दर्द होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं, बट एक्साइटेड हूं कि हिजामा स्टिफनेस आ रही है थोड़ा, मेरे को सर्वाइकल नहीं बढ़ा हुआ है बट मेरे को कमर में और गर्दन में थोड़ा पेन है, स्टिफनेस आ रही है। डेढ़ साल से ऐसा था कि बहुत ज़्यादा पेशेंट हो रहे थे, उतार चढ़ाव थे, कुछ प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो इस वजह से मैं अपने पे ध्यान नहीं दे पाई थी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अपना हिजामा करवा लूँ, क्योंकि डेली जो लाइफ होती है ना इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि हम अपने पे ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम अपने पे ध्यान नहीं दे पाएंगे तो मैं अपने जो इतने प्यारे प्यारे मेरे पेशेंट हैं और इतने ज्यादा लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरे पास आते हैं कि मैं उनको ठीक कर सकती हूँ, तो मैं उनको कैसे ठीक करूंगी जब मैं खुद ही ठीक नहीं रहूंगी। तो मैंने सोचा मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ और मैं अपना हिजामा करवाती हूँ। सो दोस्तों आज तक मैंने पता नहीं कितने हजारों पेशेंट के हिजामा करे हैं, तो अब आज मैं करवाने जा रही हूँ तो मेरा हिजामा कौन करेगा? तो अब मैं सोच रही हूँ किससे मैं अपना हिजामा करवाऊं भाई, क्योंकि हाँ कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ इनका हिजामा कौन करेगा, बहुत ही सिंपल है ये, थोड़ा घुमा फिरा कर जो है बोल रहे हैं कि कौन करेगा कौन नहीं। ऑब्वियसली हम दोनों साथ करते हैं, फीमेल्स का ये करते हैं, जेंट्स का मैं करता हूँ, पर पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार नहीं मतलब पेशेंट्स का तो कई बार किया है पर इन। अब मैं पहले आपको इनका इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये हैं डॉक्टर एलसी राठौर, ये मेरे साथ क्लिनिक में जेंट्स का ट्रीटमेंट जो है ये करते हैं, लेडीज का मैं करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी चौहान, आपकी अपनी आप मुझे जानते ही हैं। तो ये हैं एलसी राठौर, ये जेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं और मैं लेडीज का करती हूँ, तो मेरा हिजामा जो है यही करने वाले हैं। तो आगे कंटिन्यू। तो दोस्तों हिजामा तो जो फीमेल्स कंफर्टेबल होती है उनका किया हुआ है मैंने, ऐसे कुछ नहीं है कि जो फीमेल्स कंफर्टेबल होती हैं उनकी थेरेपी और हिजामा मैं भी करता हूँ और ये भी करती हैं। तो आज मौका है, इससे पहले जब इनके काफ मसल्स के जो हिजामा था वो भी मैंने किया था, और ऑब्वियसली आज जो फुल स्पाइन का होने वाला है वो भी मैं ही करूँगा, तो ये जानती है मैं कैसा करता हूँ, तो इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देख सकते कितना स्माइल दे रही है, तो ये खुश है कि ये जो है ट्रस्टेड हाथों में है। तो दोस्तों देखने वाली बात है, आज मेरा होने वाला हिजामा जो कि ये कर रहे हैं एलसी राठौर, मेरा हिजामा जिस मैंने हजारों का किया आज मेरे ऊपर होने वाला है, तो मैं फील करना चाहती हूँ ये कितना अच्छा करते हैं। तो इनके लिए एक चैलेंज है कि ये मेरे ऊपर कर रहे हैं तो बेस्ट करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और अब आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाती हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हिजामा होगा, क्या होगा, और मेरे को अगर जेन्युइन दर्द हो रहा होगा ना तो मैं सारी चीजें फुल आपको दिखाऊंगी, ठीक है? ओके चलिए। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ गाउन पहन के हिजामा के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो अपन अब लेट चुका है, तो अब मेरा जो हिजामा है चालू होने वाला है, तो देखते हैं कितना दर्द होगा। तो सबसे पहले ये जो है कि ये यहाँ पे कप लगाएंगे या मसाज करेंगे, जो भी है, देखते हैं क्या प्रोसेस करते हैं। ये मैं शांत रहता हूँ करूँगी ना मैं लेके। छोड़ दो,
यहाँ तो टीके ना रहा, यहाँ क्यों नहीं? सीधा 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 कौन? तो दोस्तों फाइनली डॉक्टर एनसी राठौर ने मेरे कप लगाई दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ, बट पीछे कपिंग हो चुकी है। तो अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। फिलहाल कपिंग तो मेरे कमर पे हो चुकी है। कितना दूर है? थोड़ा हल्का सा तो लग रहा है कि कट्स लग गया। इसमें क्या है ना? अब इतना सही आंसर है कौन बोलो? इसमें तो वो ओसी जम गई अंदर, वो ठंडा ना, इसमें दिखी ना रही है, गर्म है, ठंडा मौसम है, किसी भी उसमें वो फोन तो नहीं है। कट्स लगने में हल्का सा कट भी ये चीज़ों को लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा पेन होगा बट कोई पेन नहीं है। मैं करवा रही हूँ तो आप भी करवा सकते हैं। ये सब क्लिप्स डाल दूंगी मैं, है ना? देखो अच्छी न्यूज़ बन रही। मतलब मेरे कोलेस्ट्रॉल तो इतना नहीं है, अच्छा है तो, है ना? इसी की चिंता हो रही थी मुझे बस। हाँ इसमें लग रहा है, फिर हो रहा है क्यों तुमने पूछा? पर इसमें ऐसा लग रहा है जैसे पेन ही छोड़ी सी चल रही, पेन ना पेन साइड बदल देना। इसमें कर रही है कुछ, इतनी मोटी चमड़ी है, वो धार खत्म कर दी। इधर मेरा मूवी दिखा देना। निकल रहा है अभी, ये शुरुआत हुई है इसलिए इनमें कम दिखेगा आपको। नो दर्द, ऐसा लग रहा है जैसे स्किन पे हम पेन चलाएंगे ना, तो इस तरीके से लग रहा है जैसे पेन चल रहा हो, नथिंग एल्स। कि भाई बहुत पेन होता है कट्स का, माइनर कट्स लगते हैं, तो कोई पेन नहीं है, कंफर्टेबल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कट्स ही लगा रहे हैं और मैं कंफर्टेबल हूँ मजे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर करवाना चाहते हैं तो आप भी करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो शरीर से गंदा खून क्लोट्स वगैरह होते हैं ना, वो सब निकल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो कट्स लगाते हुए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हिलो नहीं, मैं सांस ली थी ना उससे पेट हिल गया था, क्या करूँ? कोई नहीं, फिलहाल इस टाइम पे हम डॉक्टर नहीं पेशेंट हैं और वो डॉक्टर है हमारा इलाज कर रहे हैं। तो पैन चलने वाली फीलिंग होती है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप करवाना चाहते हैं इन फ्यूचर करवा सकते हैं, जिसको ज़्यादा डर लगता है। शायद मेरे से ज़्यादा किसी को डर नहीं लगता, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था कट्स लगने में, हल्का सा कट भी ये चीज़ मेरे को लगता था जैसे बहुत ज़्यादा पेन होगा, बट कोई पेन नहीं है। मैं करवा रही हूँ तो आप भी करवा सकते हैं। तो चल एकदम सही रहा है। तो दोस्तों कितने कप लगे मेरे? 16।
तो 16 कप लगे हैं, जिसमें से 16 में से कितनों में कट हो चुका है, 12 में हो चुका है, चार ओनली चार लेफ्ट हैं और मेरे को एक में भी पेन नहीं आया। अच्छा, मेरे कप्स का जो ब्लड फ्लो है वो कैसा है? ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा है, अभी जब सारे कट्स पूरे हो जाएंगे ना उसके बाद हम वीडियो बना देंगे जो दर्शक भी देख सकते हैं। आपको अभी मैं इसी में ही दिखाऊंगी कि किस तरीके से ब्लड फ्लो है और सारा निकल रहा है, कितनी क्लॉट्स निकल रही हैं। ओके, तो अभी बोल रहे हैं हिलना नहीं है, तो शांति शांति। तो जैसा कि अभी आपने सुना, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत मोटी जम रही है, क्या तुम्हारा ब्लेड की धार भी ख़त्म कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो गाइस कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा जो है कट्स हम लगा चुके हैं जितने भी कप थे, तो अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो पहले कट्स लगे थे इनमें देखिए कितना अच्छा ब्लड जो है निकल रहा है, अभी ये शुरुआत हुई है इसलिए इनमें कम दिखेगा आपको। सीधा कर लो भाई। आ रहे हैं। क्या कर रही है ये? क्या ये पाउडर डालना है? तू रुक जा, मैं बता दूंगा। नहीं छोड़ू मैं तो। नर्स भी देख के सीखे करा, तो देख ले। दोस्तों अब होने वाला है दर्द, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कॉटन अब होएगा सेवलॉन से क्लीन और चीज लगेगी तगड़ी वाली, तो मैं चिल्लाऊंगी तुम देखते रहना। अभी तो गिरा ही नहीं है, मैं फालतू में ही चिल्ला रही हूँ। अब जब गिरेगा जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर डलने वाला है। इसने तो जान सी निकाल दी, यू ज्यादा चीज का रही है सेवलॉन। पापा 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 इतना तो कट लगने में भी चीज नहीं लगी थी जितना इसके डलने पर चीज सी लग रही है, थोड़ी जलन सी हो रही है। बहुत ठंडा भी लग रहा है, ठंड भी लग रही है। अब तो मोए क्या करूं मैं, मोए 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 मोए। तो फाइनली क्लीन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस पे लग जाएगा बेटनोपेट पाउडर, जिसको तो लास्ट का क्लीन करते हैं ना सेवलॉन से, तो कट्स पे थोड़ी सी जलन होती है, कोई ये भी फील कर लेता है, कोई ये भी फील नहीं करता है, बट मेरे को फील हुआ तो मैंने आपको बता दिया। तो अब जो है इसके ऊपर ये बेटनोपेट पाउडर जो है ये डाला जा रहा है, जिससे जो जख्म है वो ठीक हो जाए। इस वैसे ब्लड इसके बाद लास्ट जिस टेस्ट पे हम बंद करते हैं ब्लड नहीं निकलेगा, बट फिर भी हम ये बेटनोपेट पाउडर लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हिजामा ये कम्प्लीट होता है, तो फाइनली मेरे को हो चुका है। हिलो मत ना भाई, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हिलो नहीं, ये चीज़ नहीं कर रहा, बस ये यही करे जा रहे हैं, बट इन्होंने जो है हिजामा मेरा जो है बहुत अच्छा किया है, तो ये पास हो चुके हैं। दोस्तों हिजामा के जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इससे ब्लड क्लॉट्स निकल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मोटापा कम होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है, सोराइसिस ठीक हो जाता है, किसी को अगर स्किन पे एलर्जी हो वो भी ठीक हो जाती है, दाने पिंपल्स एक्ने कोलेस्ट्रॉल बताई चुकी हूँ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, पैरालिसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। क्लीन करते हैं ना सेवलॉन से, तो कट्स पे थोड़ी सी जलन होती है, कोई ये भी फील कर लेता है, कोई ये भी फील नहीं करता है, बट मेरे को फील हुआ तो मैंने आपको बता दिया। तो अब जो है इसके ऊपर ये बेटनोपेट पाउडर जो है ये डाला जा रहा है, जिससे जो जख्म है वो ठीक हो जाए। इस वैसे ब्लड इसके बाद लास्ट जिस टेस्ट पे हम बंद करते हैं ब्लड नहीं निकलेगा, बट फिर भी हम ये बेटनोपेट पाउडर लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हिजामा ये कम्प्लीट होता है, तो फाइनली मेरे को हो चुका है। हिलो मत ना भाई, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हिलो नहीं, ये चीज नहीं कर रहा, बस ये यही करे जा रहे हैं, बट इन्होंने जो है हिजामा मेरा जो है बहुत अच्छा किया है, तो ये पास हो चुके हैं।
दोस्तों हिजामा के जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इससे ब्लड क्लॉट्स निकल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मोटापा कम होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है, सोराइसिस ठीक हो जाता है, किसी को अगर स्किन पे एलर्जी हो वो भी ठीक हो जाती है, दाने पिंपल सेकने, कोलेस्ट्रॉल बताई चुकी हूँ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, पैरालिसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है, कि पेन था स्टिफनेस थी तो उसमें बहुत अच्छा मेरे को लगेगा, अभी तो मैं जब खड़ी होंगी उसके बाद फील करूँगी जब बताऊँगी। तो लास्ट का जो है वो प्रॉपर हो चुका है कंप्लीट, अब जो लास्ट का जो बचा है क्लीन हो चुका है, अभी देखा मेरे को कितना दर्द हो रहा था, आधा दर्द हो रहा था आधा बहुत ज़्यादा था, पर ये इसी में पेन होता है जब हम क्लीन करते हैं ना सेवलॉन से, तो कट्स पे थोड़ी सी जलन होती है, कोई ये भी फील कर लेता है कोई ये भी फील नहीं करता है, बट मेरे को फील हुआ तो मैंने आपको बता दिया। तो अब जो है इसके ऊपर ये बेटनोबेट पाउडर जो है ये डाला जा रहा है जिससे जो जख्म है वो ठीक हो जाए, इस वैसे ब्लड इसके बाद लास्ट जिस स्टेज पर हम बंद करते हैं ब्लड नहीं निकलेगा, बट फिर भी हम ये बेटनोबेट पाउडर लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हिजामा ये कम्प्लीट होता है, तो फाइनली मेरे को हो चुका है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हिलो नहीं, ये चीज़ नहीं कर रहे, बस ये यही करे जा रहे हैं, बट इन्होंने जो है हिजामा मेरा जो है बहुत अच्छा किया है, तो ये पास हो चुके हैं। दोस्तों हिजामा के जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इससे ब्लड क्लॉट्स निकल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मोटापा कम होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है, सोराइसिस ठीक हो जाता है, किसी को अगर स्किन पे एलर्जी हो वो भी ठीक हो जाती है, दाने पिंपल सेकने, कोलेस्ट्रॉल बताई चुकी हूँ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, पैरालिसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है, जैसे अब मैंने स्पाइन पे से इतना मेरा क्लॉट्स निकला है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है ना अब बहुत बेहतर होगा, जो मेरे को प्रॉब्लम थी पेन था स्टिफनेस थी तो उसमें बहुत अच्छा मेरे को लगेगा, अभी तो मैं जब खड़ी होंगी उसके बाद फील करूँगी जब बताऊँगी, बट ये चीज़ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जितने भी पेशेंट करवा के गए हैं उनका खुद का ये रिव्यू है कि इसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको भी ये सारी दिक्कतें तो आप हिजामा ज़रूर करवाइए, अगर ये दिक्कतें नहीं है फिर भी आप हिजामा करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि खाना कुछ भी हो कुछ भी प्योरिटी नहीं है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत थोड़ी बहुत कभी ना कभी हर किसी को होती है, तो आप ठीक है बिल्कुल उसके बावजूद भी आप ये हिजामा करवा सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो या फिर कोई दिक्कत हो जब भी आप हिजामा करवाएं, आप वैसे भी आप हिजामा करवा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मही आपको 3 महीने में एटलीस्ट एक बार फुल स्पाइन का हिजामा करवा लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर फुल स्पाइन का हिजामा करवाते हैं तो इससे हमारे शरीर के सारी बीमारियां कवर हो जाती है ऑलमोस्ट सारी, क्योंकि स्पाइन जो होती है हमारी एक कहते हैं ना मेन स्विच होता है जो पूरे शरीर को चलाता है, तो ऊपर का आधा ऊपर का स्पाइन हमारा हाथ मुंह चलाता है, बीच का हमारा पेट का करता है, तो और नीचे का हमारा पैर, तो अगर हम पूरे स्पाइन को कवर करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जब तक के लिए सलाम सत श्री अकाल नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में।